पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है भारत को जिसमें दम है। मोदी जब चला सब हिल जाते हैं, सब हिल जाते हैं। पैसा तो मतलब है नहीं, वो तो देश नहीं मर रहा, देश हमारा देश कहाँ जा रहा है। और 400 पार था, 400 पार ले जाएगा, 400 पार हो जाएगा। आज 100% भाई कोई है नहीं ना विपक्ष में। वो तो सपोर्ट जो चल रहा है योगी आदित्यनाथ, वो तो और जबरदस्त है। बुलडोजर बाबा नाम से मशहूर है वो, तो किसी छोड़ता ही नहीं भाई। अन्याय एकदम खिलाफ है वो, जरा सा अन्याय हुआ चला दो बुलडोजर, कोई है भी नहीं भाई। राहुल गांधी तो है, अरे छोड़िए, वो प्रधानमंत्री बनने तभी लाए। लल्लू भाई मुन्ना भाई बोलते हैं उसे, मोदी तो वोट दीजिए इस बार बस। वही है ऐसा आदमी है जो भारत देश बनाएगा, भारत राष्ट्र बनाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील चौधरी आज चांदनी चौक पर हूं और चांदनी चौक के पीछे आप देख सकते हैं यही वो लाल किले की प्राचीर दीवार है जहां से हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के लिए वो जो नई नई सौगात ला करके यहां से लोगों को संबोधित करते हैं। अब जनता से ही जानेंगे कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इस लाल किले की प्राचीर दीवार से लोगों के लिए क्या और बड़े ऐलान करने चाहिए और क्या और विशेष लोगों के लिए जो सुविधा है वो देनी चाहिए। हम सीधे जनता से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार आप 2024 के इलेक्शन में किसको चाहते हैं, सीधे जुड़ते हैं और क्या माहौल है। भाई साहब क्या नाम है? सुरेश सोनकर नाम है। तो आप किसको देखना चाहते हैं? तो भाई अपना पुराना साथी है मोदी। हाँ वो तो जहाँ जा रहा है अपनी वहाँ छाप छोड़ के आ रहा है। जिन जिन देशों में रहे हैं वो, जिन जिन देशों में रहे हैं वहाँ अपनी दंता बजाते आए हैं और उनसे मिलने वाले उनकी लाइन लगी रहती है विदेश में। आज ऐसा हुआ नहीं, जब पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है भारत को जिसमें दम है, दम है। किस तरह का दम है? बहुत जोरों से दम है, हर चरम दम है, तीस दम दम नहीं है। उनका जब चलता है जादू, मोदी जादू चला सब हिल जाते हैं, सब हिल जाते हैं, सब हिल जाते हैं, और कोई विपक्ष में है भी नहीं। इंडी गठबंधन कह रहा है कि अब की बार मोदी ही ले हुए हैं, कुर्सी डगमगा गई। नहीं 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 नहीं, सब झूठ बातें हैं, सब झूठ भाई। मोदी मोदी है, वो तो सपोर्ट जो चल रहा है योगी आदित्यनाथ, वो तो और जबरदस्त है। बुलडोजर बाबा नाम से मशहूर है वो, तो किसी छोड़ता ही नहीं भाई। हाँ अन्याय एकदम खिलाफ है वो, जरा सा अन्याय हुआ चला दो बुलडोजर, चाहे जो चाहे जितना बड़ा माफिया हो वो नहीं दबने वाला है। मिट्टी में मिला दिया, जितने मिट्टी मिल रहे हैं जितने मिलने वाले हैं। और अब तो कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो बाबा कह रहे हैं कि अगर अपराध किया तो हम उल्टा भी टांग देंगे। सही बात है भाई, बोला है यूपी में एक ही बाबा रहेगा योगी आदित्यनाथ, कोई नहीं बाबा रहेगा, एक ही बाबा रहेगा योगी बाबा। बाबा बुलडोजर नाम से मशहूर है, ये पूरा हिंदुस्तान जान गया है। उसको बुला रहे हैं, आप मेरे यहाँ जाइए, कई राज तो बुला रहे हैं, मेरे यहाँ जाइए बाबा। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले यूपी को उत्तर प्रदेश कर दूं, पहले उत्तर प्रदेश कर लूं, उसके बाद में आऊंगा। मैं सुरेश सोनकर। आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं योगी? बहुत अच्छा था। लोग कह रहे हैं कि जो बुलडोजर है वो जाति धर्म देख करके चलता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो वो भाई अनमैरिड आदमी है, वो उससे मतलब ही नहीं, पैसा तो मतलब ही नहीं, वो तो देश नहीं मर रहा, देश हमारा देश कहाँ जा रहा है वो मर रहा। यही जरा प्रधानमंत्री हाल है, उनके बच्चे जो है नहीं है, क्या तरह पैसा वैसा, वो देश मर रहे हैं लोग, लोग देश मर रहे हैं। और जो छोट भैया लोग हैं ना, वो तो अपना जेब भर रहे हैं, ये देश देता हम, देश हमारा है, भारत देश हमारा है। और 400 पार था, 400 पार ले जाएगा, 400 पार हो जाएगा। आज 100% भाई कोई है नहीं ना विपक्ष में, कोई है भी नहीं भाई। राहुल गांधी तो है, अरे छोड़िए, वो प्रधानमंत्री बनने तभी लाए। अरे वो तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम बनेंगे अब की बार। अब छोड़ दीजिए, वो कहाँ बन पाएगा। अरे उसको तो लल्लू भाई मुन्ना भाई बोलते हैं उसे। अच्छा ऐसे ही है मुन्ना भाई, लल्लू भाई याद है, वो पैदल यात्रा नचा रहा था, नचा ही रहा है। 10-20 सीट पा जाएगा क्या होगा उसमें? गठबंधन बना हुआ है, कह रहे हैं कि मोदी को बिल्कुल हटा देंगे, देश को बचाएंगे क्योंकि देश खतरे में है मोदी का।
जो भी लड़ना है मजबूत लड़ना है तो देश बचाना है, अपना वोट साइड करना है तो मोदी को वोट दीजिए इस बार, बस मोदी सबसे वही है, ऐसा आदमी है जो भारत देश बनाएगा, भारत राष्ट्र बनाएगा। गठबंधन वाले तो कह रहे हैं मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, क्या बात करता हूँ, गठबंधन कर रहा है बर्बाद, आबाद कर रहा भाई वो, पहले क्या था बताइए, कितने ब्रिज बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी जल्दी बन रही है, जो दिल्ली में चल रहे हैं हम लोग चल रहे हैं, दिल्ली में बदौलत चल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ प्रयागराज, प्रयागराज। हाँ मतलब बाबा से इसीलिए प्रभावित है। मैं भी रिपोर्टर हूँ, डीएनए से, मैं भी डीएनए से हूँ। मतलब अतीक को मिट्टी में मिला दिया, मिला दिया, कितने और मिलने वाले हैं, कितने अन्याय, मैंने बोला जान अन्याय खिलाफ लड़ता है वो, अन्याय बर्दाश्त नहीं उसको, ऐसे बहुत अच्छा आदमी है, आप मिलिए, बहुत बड़ा इंसान है, बहुत उसे इसीलिए बुला रहे हैं, कई राजू भाई सब बुला रहे हैं मेरे यहाँ जाओ बाबा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आ, बहुत बहुत डिमांड है, डिमांड नहीं बहुत डिमांड है, कह रहे कि ऊपर भी भेज दो मोदी के बाद। हाँ उसके बाद, हाँ वही बैठेगा, वही बनाए दे हिंदू राष्ट्र, वही दम है, वही बनाए दे हिंदू राष्ट्र, योगी आदित्यनाथ बनाए दे हिंदू राष्ट्र, ताकत दिखाई दे, अरे बाप रे दम है, बुलडोजर बाबा इसीलिए नाम पड़ा है, अगर प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में बुलडोजर चलेंगे, पूरा जहाँ पाए वहाँ चलवाए, अन्याय खिलाफ चलाएगा, अन्याय जहाँ हो रहा वहाँ बुलडोजर चलेगा, बाबा तो चलेगा, अकेला तोगा वहाँ चलाएगा योगी, मगर योगी जो है इंसान वाकई में गुड है, योगी गुड है, गुड है बिल्कुल गुड है। क्या नाम है आपका? नहीं नहीं, ये क्या नाम है, अभी कह रहे कि कोई अगर अपराध करेगा तो योगी जी उल्टा टांग देंगे, हकीकत है वो, हकीकत बात है, योगी टांग नहीं देगा, लाट के पत्नी कहाँ टांग देगा, योगी गुड है यार वाकई में, गुड है, हाँ गुड है, तो कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, आप ये बंद दो लो, मैं मुस्लिमों में गुड कह रहा हूँ, उसकी वजह कि योगी ने जो काम करा है वो किसी ने नहीं करा, बस एक काम और है कि रोजगार बढ़ जाए तो और थोड़ा अच्छा है, योगी और मोदी, जैसे अतीक और मुख्तार के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की, वो तो मुसलमान थे उनके खिलाफ करी, तो मैं क्या करूँ, नहीं मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ उसमें, अखिलेश ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ही जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है, मैं मुस्लिम हूँ, जो गलत करे गलत होगा, साफ बात है, गलत करेगा गलत होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, मुझे गोली मर जाए कोई टेंशन नहीं, गलत होगा गलत होगा, योगी ग्रेट, इसो ग्रेट। कहाँ के रहने वाले हैं? बल्ली मारन चांदनी चौक, हाँ ओके, पसंद है योगी जी? योगी मुझे पसंद है, और मोदी? ओके, मगर मोदी साहब से एक बात कहनी है, हाँ। कि पुलिस थोड़ा रोजगार पर ध्यान दीजिए, हाँ। तो हम पे कारोबार मिल जाए, हम उनके चाहने वाले हैं, मैंने नहीं, मैं अब से नहीं चाहता, बचपन से चाहता हूँ सबसे, भाजपा पार्टी नंबर पार्टी है मानता हूँ मैं, मगर थोड़ा सा रोजगार, रोजगार की तरफ देखें, पुलिस या किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाहते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल होना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री केजरीवाल नहीं होना चाहिए, केजरीवाल दिल्ली के लिए ठीक है, और प्रधानमंत्री तो भाई बहुत हाई पोस्ट है, और उसके लिए तो होना चाहिए मोदी जी, और मोदी जी के अलावा यहाँ अभी कोई एलिजिबल है नहीं। राहुल गांधी कैसे हैं? राहुल गांधी ठीक हैं, अच्छे हैं, मगर थोड़ा अभी हैं, चला पाएंगे देश? देश चलाने के लिए अभी उनके पास है नहीं एक्सपीरियंस, जिस दिन बनेंगे अपने अपने आप एक्सपीरियंस आएगा उनको, मगर अभी तो इस साल 24 में तो मुश्किल है। मोदी क्या नाम है भाई साहब? अश्विनी। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? एक ही है, मोदी जी हैं। मोदी जी, और कौन? लोग तो कह रहे कि बदल दो, अब की बार थक गए 10 साल से देखते देखते। हम तो नहीं थके, नहीं थके नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बाबू जी आपका क्या नाम है? असलम भाई, MBBS। ओ MBBS, हाँ जी बोलिए। तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? एक ही सरकार चलना चाहिए, मोदी, और क्या? मोदी, हाँ जी। क्यों? बढ़िया काम कर रहा है देश का। कह रहे कि वो तो बदल दो, अब की बार 10 साल हो गए, आपके कैसे बदल दो, तो इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, सब चीज फ्री मिल रही है, अच्छा काम नहीं कर रहे? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब, बढ़िया काम, हाँ जी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो उसे वोट नहीं देगा वो नादान होगा। अच्छा, हाँ जी। प्रधानमंत्री कौन चाहिए? और क्या, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, ममता?
ममता को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं। अरे उसके जैसा कोई नहीं है, खराब आदमी। अच्छा, हम तो नवरात्र चल रहे, कह रहे कि आपकी बार दंगा ना चलावे, उसके वजह से ही दंगा हो रहा है सब। बस और कुछ नहीं।